नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। करीब दो सालों के बाद आखिरकार अंटार्कटिका के रिसर्च सेंटर तक कोविड वायरस पहुंच गया है। रिसर्च सेंटर के अधिकारियों ने पुष्टि करते हुए कहा कि इस महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार वायरस अंटार्कटिका में अर्जेंटीना के अनुसंधान केंद्र तक पहुंचा है। अंटार्कटिक के राष्ट्रीय निदेशालय के पेट्रिसिया ऑर्टुरजर ने बताया कि अर्जेंटीना के लॉ एस्पेरांजा बेस में रहने वाले 43 वैज्ञानिक और सैन्य कर्मियों में से 24 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें से 9 लोग ऐसे थे जिनमें कोई सिम्टम नहीं थे, लेकिन एहतियात के तौर पर इन्हें सेंटर से बाहर निकाला गया। अफसरों की ओर से कहा गया कि 2021 में अर्जेंटीना के टीकाकरण अभियान की शुरुआत से पहले से अंटार्कटिका में थे और राजधानी की यात्रा पर जाने वाले थे। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उन्होंने फैसला किया था कि वो टीकाकरण के बाद ही राजधानी जाएंगे। राष्ट्रीय निदेशालय के पेट्रिसिया ऑर्टुरजर ने कहा कि ऐसा होने के बाद भी राहत की बात है। उन्होंने कहा कि फिलहाल यहाँ पर हालात काबू में हैं, वहीं 15 और संक्रमित स्टाफ अभी भी बेस पर ही मौजूद है क्योंकि वो वैक्सीनेटेड है। सेंटर के जिन लोगों ने अभी तक भी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है, तुरंत प्रभाव से उन सभी को वैक्सीनेट करवाया जाएगा। इससे पहले इस बर्फीले महाद्वीप में 2020 में चिली के एक अनुसंधान केंद्र में 36 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। उस समय अंटार्कटिका में पहली बार कोरोना वायरस से लोग संक्रमित हुए थे। आपको बता दें कि अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम महाद्वीप है। इसमें भौगोलिक रूप से दक्षिण ध्रुव शामिल है और यह दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है। 14 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत यह विश्व का सबसे बड़ा पांचवा महाद्वीप है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।